हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। आपके सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट आर्थर, उसका ये एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए बिना देर किए हम इसे शुरू करते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनको आइए मेरे साथ साथ आप रीडिंग कीजिए, और यदि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो इस कदर पढ़िए कि आप किसी को बता सकें, उसको समझा सकें। तो आइए बिना देर किए हम इसे शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु वाज ऑसेबल, यानी ऑसेबल कौन था। ए नंबर है एक्टर, बी नंबर है सोल्जर, सी नंबर है सीक्रेट एजेंट, डी नंबर है पुलिसमैन। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी सीक्रेट एजेंट, यानी ऑसेबल जो था वो एक गुप्त एजेंट था। सेकंड क्वेश्चन है, हु केम टू मीट ऑसेबल, यानी ऑसेबल से मिलने कौन आया था। ए नंबर है पुलिसमैन, बी नंबर है ऑसेबल्स फ्रेंड, सी नंबर है मैक्स, डी नंबर है फाउलर। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी फाउलर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु वाज मैक्स, यानी मैक्स कौन था। ए नंबर है फाउलर्स फ्रेंड, बी नंबर है ऑसेबल्स फ्रेंड, सी नंबर है अ सोल्जर, डी नंबर है अनदर सीक्रेट एजेंट। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी अनदर सीक्रेट एजेंट, यानी एक और गुप्तचर जो एजेंट था। फोर्थ नंबर है, हु वाज नॉकिंग एट द डोर, यानी दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा था, यानी दरवाजे को कौन खटखटा रहा था। ए नंबर है फाउलर, बी नंबर है मैक्स, सी नंबर है दी वेटर, डी नंबर है दी ए सोल्जर। इसका सही ऑप्शन है सी, दी वेटर, यानी वेटर जो था वो दरवाजे को नॉक कर रहा था। फाइव नंबर, मैक्स इंटर्ड ऑसेबल रूम थ्रू दी, यानी मैक्स ने ऑसेबल के रूम में किस माध्यम से प्रवेश किया। ए नंबर है बालकनी, बी नंबर है रूफ यानी छत, सी नंबर है बैक डोर यानी जो पीछे का दरवाज़ा होता है, डी नंबर है मेन डोर यानी जो मुख्य दरवाज़ा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी मेन डोर, मुख्य दरवाजे से। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड, यानी मैक्स अपने हाथ मैक्स ने हाथ में क्या पकड़ा था, यानी मैक्स के हाथ में क्या था। ए नंबर ए पिस्टल, बी नंबर है ए नाइफ, सी नंबर है अ पीस ऑफ पेपर, डी नंबर है ए स्टिक। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी अ पिस्टल, यानी एक पिस्टल पकड़ा था। सेवन नंबर है, हु फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, यानी होटल के सबसे ऊपरी मंजिल से कौन नीचे गिरा। ए नंबर है ऑसेबल, बी नंबर है मैक्स, सी नंबर है वेटर, डी नंबर है फाउलर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी मैक्स, यानी होटल के जो ऊपरी मंजिल से मैक्स गिरा था। एट नंबर है ऑसेबल वाज, यानी ऑसेबल था। ए नंबर है फैट एंड स्लूपी, यानी मोटा और मैला, बी नंबर है एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, यानी बेहद अच्छा दिखने वाला, सी नंबर है टाल डार्क एंड हैंडसम, यानी लंबा गहरा और सुंदर, यानी डार्क था, है ना, डार्क मतलब थोड़ा मतलब गाढ़े में, डी नंबर फेयर एंड हाइटेड, यानी गोरा और ऊंचा। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी फैट एंड स्लूपी, यानी मोटा और मैला। नाइन नंबर, हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, यानी द मिडनाइट विजिटर कहानी के मध्य रात्रि आगंतुक कौन थे। आगंतुक मतलब रात्रि में आने वाले, जो आगंतुक थे आने वाले। ए नंबर है ऑसेबल, यानी ऑसेबल, बी नंबर है फाउलर, सी नंबर है मैक्स, डी नंबर है रॉबर्ट। तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी मैक्स, यानी द मिडनाइट विजिटर में जो आगंतुक था वो था मैक्स। टेन नंबर है, हु वाज द क्विकेस्ट पर्सन इन द स्टोरी, यानी कहानी में सबसे तेज व्यक्ति कौन था। ए नंबर है फाउलर, बी नंबर है मैक्स, सी नंबर है ऑसेबल, डी नंबर है नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी ऑसेबल,
यानी इस कहानी में सबसे तेज और सबल था। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने एक दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।